नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा पुलिस ने मोतिहारी में नोट डबलिंग गिरोह के 6 बदमाश पकड़े। अंतर्राज्यीय नोट डबलिंग गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी मामले में दरभंगा पुलिस को मोतिहारी में सफलता मिली है। कमतौल थाना की पुलिस ने मोतिहारी पुलिस और दरभंगा टेक्निकल सेल के सहयोग से छापेमारी कर इस गिरोह में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने एक कार को भी जब्त की है। पुलिस ने कमतौल थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु DSP सर्वेश चंद्रा के नेतृत्व में बेतिया से पीछा कर थाना क्षेत्र के छपुआ चौराहे से नोट डबलिंग गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में केसरिया थाना क्षेत्र के चांद परसा निवासी सुबोध कुमार, जितेंद्र प्रसाद, अनिल कुमार, अमरजीत महतो, तुरकोलिया थाना के माधोपुर निवासी अमरेंद्र कुमार शामिल है। इसको लेकर इन लोगों के विरुद्ध कमतौल थाना में एक मामले दर्ज है। बताया जाता है कि इन लोगों के विरुद्ध विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आगे किस तरह से कार्रवाई करती है। 5 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं जो अंतर जिला एक संगठित गिरोह के सदस्य लोग हैं, और ये लोग चांद परसा गाँव है, केसरिया थाना है, जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी के रहने वाले हैं। इन लोगों ने दरभंगा जिला अंतर्गत जनवरी महीने में 13 तारीख को और 31 तारीख को, 31 12 को सिंहवाड़ा और कमतौल में 2 बैंक से लोग पैसे निकल रहे थे। जैसे कदम चौक पे एक बैंक है, वहाँ से, और एक PNB बैंक है सिंहवाड़ा, वहाँ से पैसे निकाल के एक जगह से 50,000 और एक जगह से 25,000 रुपया निकाल के उनको ये लोग एक नोट का जैसा दिखता हुआ एक बंडल बनाते हैं, और जो भी वहाँ पे पैसे निकालते हैं उनके जाते हैं, उनसे विश्वास में लेते हैं, और उनके टीम के दूसरे लोग भी जाते हैं, उन्हें बात में उलझा लेते हैं, उलझाते हुए उन्हें बाहर गाड़ी के पास लेके आते हैं। यदि वो उनकी बात में उलझ गए और पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं तो बलपूर्वक गाड़ी में बिठा लेते हैं और ले जाते हैं, उनके पैसे छीन लेते हैं। तो इसी क्रम में एक ये 13 तारीख को एक घटना घटी थी कमतौल थाना अंतर्गत कदम चौक पे। एक रुक्मिणी देवी महिला थी, उनका पैसा 50,000 इन लोगों ने गाड़ी में पकड़ के इनको जबरन ले गया और 50,000 रुपया छीन लिया, तो पैसे भी बरामद हो गए हैं। और सिंहवाड़ा में भी PNB बैंक से 25,000 लिए, तो भी बरामद हुआ। इसके लिए एक टीम बनी थी कमतौल और सिंहवाड़ा SHO के नेतृत्व में, और हमारी टेक्निकल टीम थी, इनको हम लोगों ने भेजा था छापामारी करने के लिए, और इसमें पकड़े गए। इनके कई आपराधिक इतिहास भी हैं, दूसरे जिला में भी हैं। उन सभी कांडों का पता किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि इनके पास से इनकी जो गाड़ी है, जो घटना में प्रयोग करते हैं गाड़ी, एक हुंडई i10 है, वो बरामद हुई है। उसके अलावा इनके पास से मोबाइल है, लूटे गए रुपये जो थे वो बरामद हो गए हैं, और जो एक नोट जैसा दिखता हुआ बंडल बनाते हैं, ऊपर नीचे 500 के नोट लगे रहते हैं, वो भी इनके पास से पोजीशन से बरामद हुआ है। क्या कार्रवाई की गई? ये इनके विरुद्ध 2 मामले तो अपने यहाँ दर्ज हैं, एक कमतौल में, एक सिंहवाड़ा में। 31 तारीख को सिंहवाड़ा में घटना घटी थी और 13 तारीख को कमतौल में। इन 2 तो हमारे यहाँ मामले दर्ज हैं और अन्य जिलों में भी दर्ज हैं। इनके पास से क्या क्या सामान बरामद हुआ था? ये सामान आप देख सकते हैं, इनके पास से हुंडई i10 जो घटना में प्रयोग में लाते हैं वो बरामद हुआ है, इनके मोबाइल्स हैं, और जो लूटे हुए पैसे हैं वो बरामद हुआ है, और जो एक ठगने के लिए जो एक बंडल जैसा, नोट के बंडल जैसा बनाते हैं, वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। कितने आदमी को अरेस्ट किया गया? टोटल 5 लोग का ये गिरोह है, और ये उस गांव में चांद परसा में जो मोतिहारी का है केसरिया, वहां पे इनके और भी सदस्य लोग हैं जो घूम घूम कर विभिन्न जिलों में इस प्रकार का काम करते हैं, जो बैंक के आगे ही रहते हैं और बैंक में किसी को देख लेते हैं, महिला को या कुछ उस टाइप के लोग को दिखते हैं और टारगेट कुछ